राकेश शर्मा और आज फिर मुखातिब हूँ आपके साथ एक नई जानकारी के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त जो है पूरा विश्व जो है कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहा है और चारों तरफ जो है एक भय का वातावरण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें भय नहीं करना है, क्योंकि मुझे याद है एक मरतबा एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था और वो प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े रेल की पटरी पे जा गिरा और उसी वक्त एक रेलगाड़ी आई और उस आदमी के ऊपर से गुजर गई। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उस आदमी को खरोंच भी नहीं आई और वो आदमी उठ करके वापस प्लेटफॉर्म के ऊपर आया। लेकिन जैसे ही बगल में खड़े आदमी ने उसे याद दिलाया कि भाई तुम्हारे ऊपर से तो रेल गुजर गई और तुम बच गए, तो वो आदमी हदस गया, डर के मारे वो वहीं पर गिर गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। यानी कि वो रेल से तो बच गया लेकिन उस डर से नहीं बच पाया जिसके ऊपर वो जीत हासिल नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने डर के ऊपर जीत हासिल करनी है। कितना भी बड़ा वायरस हो, कितना भी बड़ा संकट हो, अगर हमने अपना पेशेंस खो दी, अपना संतुलन खो दिया, तो हम कोरोना तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम खांसी जुकाम या सर्दी से भी मारे जा सकते हैं। तो खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मार्केट के अंदर तमाम तरह के जो है सैनिटाइजर्स मौजूद हैं और जिससे कि आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, और बहुत महंगे महंगे सैनिटाइजर्स हैं। तो एक हमने देसी जो है तरीके से अपना एक सैनिटाइज़र तैयार किया है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट है लगभग, और अपने घर में इसे बैठ कर के बड़े आराम से बना सकते हैं। और यही वजह है कि आज देखिए पूरा यूरोप जो है कोरोना से जूझ रहा है और इतनी सारी वहाँ मृत्यु हो गई हैं, हमारे भारतवर्ष में फिर भी बहुत अभी तक जो है ये संभला हुआ है। उसकी मुख्य वजह यही है कि हमारे पास योगा की शक्ति है और आयुर्वेद की शक्ति है जो कि अन्य देशों के पास नहीं है। तो हमारा जो योग है और आयुर्वेद है उसके अंदर इतनी ताकत है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को जितना स्ट्रांग बना के रखेंगे तो मुझे लगता है हम किसी भी रोग से दूर रह सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने एक सैनिटाइजर, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा इसके ऊपर जरा कैमरा फोकस करें, ये बनाया है। ये देखिए इसके अंदर मैंने नीम की पत्तियाँ डाली हैं। लगभग आप 3 से 4 लीटर पानी ले लीजिए और उस 3-4 लीटर पानी के अंदर नीम की पत्तियाँ मैंने डाली हैं। फिर उसके अंदर जो है एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने डाले। मैंने इसके अंदर गौमूत्र भी थोड़ा डाला और साथ ही साथ इसमें मेरे पास एक मड़ुआ होता है, बेजिल की ही प्रजाति का होता है, खुशबूदार पौधा, उसके भी पत्ते डाल दिए हैं। तो इन सबको लगभग मैंने आधा पौना घंटा अच्छे से उबाला और जब इसका बिल्कुल रस जो है ये निकल गया, ठंडा हो गया है, अब फिर इसमें मैंने थोड़ा सा देसी कपूर, मैं कहूँगा जरा एक बार दिखाएं, क्योंकि कोरोना के चलते देसी कपूर की बहुत बड़ी उपयोगिता है। और आप इस तरह से डिफ्यूज़र जो है इसमें भी देसी कपूर को रख करके जला सकते हैं, तो इससे आपका जो पूरा वातावरण है बिल्कुल कीटाणु मुक्त जीवाणु मुक्त रहेगा और आप रहेंगे सुरक्षित। तो ये सैनिटाइजर बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। इसको आप इस तरह से बनाने के बाद उबाल करके इस पानी को छान लीजिए इस तरह से एक दूसरे पतीले में, और इसे छानने के बाद आपने करना क्या है ये गौरतलब है। इसको छान करके फिर मैंने इसको एक, ये देखिए ये एक बॉटल है 2 लीटर की पेप्सी की खाली, और इसके ऊपर मैंने ये कुप्पी लगाई है और इस बॉटल को मैंने भर लिया है। अब देखिए इस बॉटल को मैं, ये जो मैंने कंकॉक्शन तैयार किया है इससे मैंने इसको भर रहा हूँ और इस तरह से इसे भर लीजिए आप अच्छे से ताकि ये बॉटल पूरी फिल हो जाए और आप अपने पूरे घर को सैनिटाइज कर सकें। देखिए नीम जो है दोस्तों वो इतनी बेहतरीन चीज़ है जिसका अमेरिका और कई अनेक देशों ने इसका पेटेंट कराने की भी कोशिश की। नीम तो जो है ये अमृत है और तमाम जो बीमारियां कीटाणु विषाणु सबसे हमें दूर रखता है, चाहे आपके घर में मक्खियां हैं या मच्छर हैं और सभी से। तो इस तरह से हमने भर लिया है, ये बॉटल मेरी फ्री की है और ये मात्र 30 रुपये के मैं नोजल लाया था स्प्रेयर, और इसके अंदर भर के आप अपने घर में इस तरह से, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा जरा दिखाएं, इस तरह से आपने स्प्रे करना है। ये इसको हम सेट कर लेते हैं, ये देखिए शायद इसमें घोल मैंने ज़्यादा डाल दिया है इस वजह से। ये देखिए ये मैंने इस तरह से घोल तैयार किया और इस तरह से आपको अपने पूरे घर में, ये देखिए दीवार के ऊपर जब मैं करता हूँ
आप इसको पूरा अच्छे से प्लांट्स के ऊपर भी इसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से अपनी पूरी दीवारों को डिसइंफेक्टेंट करेंगे, बहुत ही बढ़िया ये स्प्रेयर तैयार हो गया है और ये फ्री का है। आप हजारों रुपए आज लोग खर्चा कर रहे हैं और ये सारे घर के अंदर आप पीजिए। और इसके बाद मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इस तरह से हम अपने घर की, आप जैसा कि कहते हैं दरवाजों के ऊपर या फिर जो हैंडल है उनके ऊपर, या फिर ये आप देखिए जिस तरह से ग्रिल है, ग्रिल को हम पकड़ते हुए मूवमेंट चलते हैं, तो इस तरह से हम अपनी ग्रिल को भी इधर दिखाएं जरा, इस तरह से ग्रिल को भी कर सकते हैं और हम इस तरह से पूरा सैनिटाइजेशन हम कर सकते हैं, चाहे वो सीढ़ियाँ हों या फिर अन्य जगह हों। तो ये जो मैंने आपको एक पहलू बताया कि किस तरह से आप अपने घर को इस तरह इस जो मैंने बनाया है घोल, इससे डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये नीम कपूर और इसमें तमाम वो चीज़ें, मैंने तुलसी भी डाली है और घृत कुमारी एलोवेरा भी डाला है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जब इस तरह का आप घोल बनाएं तो आप इसे अपने पेड़ पौधों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नीम का तैयार है ये कंकोक्शन, ये पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये मेरे घर में मैं दिखाऊंगा, आप दिखाएं जरा यहाँ, ये सेकुलेंट प्लांट्स हैं, छोटे छोटे से तैयार किए हुए हैं। तो ये जो सेकुलेंट प्लांट्स होते हैं इनको अमूमन पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, इनमें पानी लगभग नहीं के बराबर डाला जाता है, क्योंकि ये वायु से ही जो है पानी अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह के पौधों में जब आप पानी डालें तो डायरेक्ट मत डालिए, इस तरह से स्प्रे करें। तो स्प्रे करने से ये होता है कि ये केवल उतना ही पानी लेते हैं जितनी इनको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा इनमें पानी नहीं जाता। और ये नीम का पानी है तो एक तरह का ये मैन्योर का भी काम करता है, पौधों में आप डाल सकते हैं तमाम तरह के। ये देखिए तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे आपके जितने भी मच्छर हैं या मक्खियां हैं आसपास भटकेंगे भी नहीं। और ये ज़रूरी नहीं जब कोरोना फैला हुआ है देश में या विश्व में तभी आप इसे करें, आप चाहें तो इसे समय समय पर कर सकते हैं। नीम जो है अमूमन पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, नीम की पत्तियाँ ला करके उनको उबाल करके उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दें, थोड़ा कपूर डाल दें और उसे फौला करके ठंडा करके ये बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, इससे आप दिन भर, जैसे यदि आपके घर में कोई बच्चे बाहर से आते हैं, कोई भी बाहर से आता है, आप इस तरह से अपना हाथ को भी सैनिटाइज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन सैनिटाइज़र का काम करता है ये और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस जानकारी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मायालोक एक खोज से अलविदा लेता हूँ मैं।